नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हीरा योगी और आज मैं आया हूँ ट्रेड फेयर के अंदर में। एक योगा टीचर होने के नाते, वैद्य होने के नाते, अगर मैं आयुर्वेदिक दुकानों पे ना जाऊँ तो कैसे काम चलेगा। तो आप देख रहे हैं ये एक आदिवासी स्टॉल है और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये स्टॉल कहाँ का है? गुजरात अहमदाबाद से। ये गुजराती है जहाँ का अपना प्रधान सेवक है ना, तो वहीं का ये स्टॉल है और ये गुजराती भाइयों के साथ बहुत सारी जड़ी बूटी, अश्वगंधा, सेतावरी, मुलैठी, हरड़, यहाँ सारी चीजें। सबका नाम तो अभी इतना नहीं बताना। तो अब मैं जब स्टॉल में एंटर किया तो एक क्वेश्चन याद आया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते सर ये बीमारी है वो बीमारी है। तो दो बीमारियों पे मैं बात करूंगा और ये मेरे सामने मूछ वाले मैंने ना मूछ मैन, इनका नाम है हीरामल जी है, ये यानी मेरी राशि के है हीरामल जी। मेरा नाम हीरा योगी, हीरामल जी है। तो अभी हीरामल वैद्य जी है ये और हम इनके साथ करेंगे वार्ता 5 मिनट की। चलिए, और ये देखो किन किन बीमारियों का करते हैं इलाज, जरा देखिए। अब जरा हीरामल जी से करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हीरामल जी आ चुके हैं। हीरामल जी पेशे से हैं वैद्य, और वैद्य का काम क्या होता है? आपके शारीरिक रोगों से मुक्त कराने का एक आयुर्वेदिक माध्यम आपकी किचन में, जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों से अपने शरीर को बीमारियों से कैसे निजात पाए, आज हीरामल जी बताएंगे। हीरामल जी, आपका मेरे शो हीरा योगी में बड़ा स्वागत है। हीरामल जी को प्रणाम, थोड़ा कुछ बताएं अपने बारे में। जय सेवा, जय गोंडवाना, ये हमारा परम का धंधा बोले तो आयुर्वेदिक दवा, शुद्ध आयुर्वेदिक दवा है। और ये माखा दूध कैसा होता है, ऐसा शुद्ध दवा होता है हमारा आयुर्वेदिक। तो बीपी हो, शुगर हो, पेट में गैस हो, कब्जी हो, वात हो, पित्त हो, ये सभी रोगों के बारे में हम जड़ी बूटी से रोगों का, कई लोगों का सेवा करते हैं और सेवा समझकर हम दवाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हीरा जी ने एक चीज बताई, पेट से संबंधित रोग इन्होंने ज्यादा बोले। इनका कहा, इन्होंने जो मैं इनसे मिला तो इन्होंने बोला पेट सही तो शरीर ठीक। तो इन्होंने एक शब्द यूज किया, बहुत सारे लोगों के पेट में एसिड, बहुत सारी कॉल आती ना आप लोगों की। अब तक 60,000 कॉल अटेंड कर चुका पिछले एक साल में पेट से रोगियों की। तो आज सुन ले, आज आपको मंत्र मिल गया हीरामल जी के सामने। हीरामल जी, लोगों के पेट में एसिड बनता है, आप खट्टी टकारें आती हैं, छाती में जलन होती है और गले तक पहुंच जाता है, उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? गैस और पित्त, पित्त से खेटे मेटे ढका रहते हैं, छाती में जलन हो जाती है, जो भी जो खुराकी जो खाते हैं कभी पचन कभी ना पचन हो जाता है, उसका रस टॉनिक नहीं बनता, इसी के लिए शरीर के अंदर कमजोरी आता है, हड्डियों का, जोड़ों का कैल्शियम कम हो जाता है। यस सर, कैल्शियम कम होने से उठने बैठने में तकलीफ बन जाता है, मतलब गठिया का रोग हो जाता है। हाँ, गठिया का भी रोग हो जाता है वात के प्रकार से, पित्त के कारण से, वात के प्रकार से। अच्छा, वात और पित्त मिलने के कारण से गठिया रोग बन जाता है, वात बन जाता है, कई लोग अकड़ जाते हैं, उठने बैठने में बहुत तकलीफ बन जाती है। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है वैद्य जी, वो समस्या ये है कि इनके एसिड बहुत ज्यादा बनता है जिस कारण ये कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी कुछ घरेलू एक आधी दवाई, और उसके बाद मैं वैद्य जी का ना पता लिख दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, आप वैद्य जी से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि भगवान खुद आपके द्वार पे है वैद्य जी के माध्यम से। तो वैद्य जी कुछ बताओ आप, ऐसे क्या क्या? तो ये 36 जड़ी बूटी से हमने पूरा बनाकर, और हम आयुर्वेदिक दवा पूरा बनाकर और चूर्ण रखते हैं। अगर ठंडा पानी या कोमट गर्म गुनगुना पानी के साथ अगर एक महीने का इलाज करोगे तो जितना भी आपका जो वात, पित्त और कफ, ये पूरा नष्ट हो जाएगा और शरीर एकदम शुद्ध रहेगा। तो थोड़ा कड़वा दवा होता है पित्त के बारे में। हाँ, पित्त के बारे में, पित्त के बारे में कड़वा दवा खाओ में तो पूरा उसका पानी बन जाएगा, पित्त का पूरा शरीर निरोगी बन जाएगा, कोई बात का शरीर के अंदर। डॉक्टर तो हजार लाखों रुपए लेते हैं तब भी ठीक है, तो पेंटिसिन की गोली दे देते हैं पित्त बनाने के लिए, खत्म करने के लिए। वो अंग्रेजी दवा होता है, और अंग्रेजी दवा नहीं, ये शुद्ध जड़ी बूटी दवा होता है, ये दम से काम करता है, लेकिन ये जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, जैसे
ऐसा झाड़ को आधे से काटो तो वो दोबारा आता है, आप जड़ से निकाल देते हैं, तो इसको जड़ से निकाले झाड़ को तो वो दोबारा नहीं आता है। तो इसी के लिए आयुर्वेदिक दवा ये पुण्य से आगन है। राजा महाराजा लोग पहले ये जड़ी बूटी यूज करते थे। एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन आ गया, लोगों का खाना पूरा पचता भी नहीं है, क्या ये भी एक बीमारी है पेट की? ये पचता नहीं, इसी के लिए वो रस टॉनिक शरीर के अंदर बनता नहीं, खून नहीं बनता, इसी में कमजोरी आ जाता है। तो इसी के लिए दवा खाना जरूरी है, वो भी शुद्ध आयुर्वेदिक खाना जरूरी है। एक रोग के लिए खाओगे, तुम्हारा जितना भी शरीर के अंदर रोग है 10 रोगों का पानी बनेगा हमारा आयुर्वेदिक दवा। अच्छा जी, हाँ, और अंग्रेजी दवा एक रोग के लिए खाओगे तो वहाँ पर 4 रोग पैदा हो जाएंगे। ये तो सच बात कही आपने, लेकिन एक चीज बताएं, क्या सच में आप ठीक कर सकते हैं, इसकी गारंटी लेंगे आप? गारंटी के साथ मैं दे सकता हूँ, और गारंटी हजारों लोगों को देके अभी तक मेरा अभी तक सेवा में कर ही रहा हूँ। देखो हीरा जी कितने प्यारे हैं, कहते पहले गारंटी देता हूँ मैं, तो ये चीज सोचने वाली बात है। एक वैद्य आपको शारीरिक रूप से ठीक करने में क्या क्या कर रहा है। अच्छा एक चीज बताए वैद्य जी, इस आपके यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का आप अच्छा उपचार करते हैं? गैस का भी अच्छा होता है उपचार, पित्त का भी उपचार अच्छा होता है, और ये जो हड्डी का जो कैल्शियम जो कम हो जाता है उसका भी उपचार हो जाता है, वाइट का भी पित्त का भी कफ का भी, ये पूरा रोगों के बारे में अच्छा इलाज होता है। लेकिन क्या है, उसके लिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैं गुरु जी इस पे मानता हूँ जी, जो आप कह रहे विश्वास के बिना काम नहीं चलता। तो दोस्तों आपने समझ लिया, हीरामल वैजी का नंबर मैं अपनी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, इनका मोबाइल नंबर भी, इनका नाम भी और इनका कार्ड भी। अगर आपको कुछ भी इनसे पूछताछ करनी है आप पूछ सकते हैं फोन पर। ये आपको देखो, मैंने भी इनसे दवाई ली है, एक इन्होंने मुझे खुद बुलाया कि भाई आ देखिए हीरा हीरा मिल गए, तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो आप लोगों से निवेदन है, आपको कोई भी समस्या हो तो हीरा मल जी से ज़रूर संपर्क करें, ये आपके लिए बहुत रामबाण है। तो दोस्तों वीडियो को देता हूँ यही विराम, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हीरा मल जी नमस्कार करते हैं और हम भी नमस्कार करते हैं, धन्यवाद। नंबर डालो।